और ये सुबह के बज रहे हैं 5 और मेरी मम्मी छत में लगा रही है दौड़। गिरना मत। आप देख सकते हैं अभी पूरा श्रीनगर में अंधेरा है। मेरे गोलू भी आया छत पे, लेकिन कोई योगा योगा नहीं करता, ये बस चैटिंग करता है लो लड़कियों के साथ बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 या 5 बज रहे हैं अब, और हम आए छत पे योगा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गोलू भी योगा कर रहे हैं, और मैं अभी लेटने वाले योगा कर रही हूँ। और ऊपर देख सकते हैं चाय आ गई है सुबह सुबह, हम चाय पीते हैं और आनंद लेते हैं सुबह की फ्रेश हवा का। गोलू ठंड लग गया आपको? बहुत ठंड लग रही है। सो गाइस आप लोग भी मॉर्निंग में जल्दी उठिए, योगा कीजिए और मॉर्निंग के फ्रेश एयर के मज़े लीजिए, और दिन भर चाहे चाहते रहिए मेरी तरह। और ये अभी अभी एक वाइड हुई है इसकी इसकी वाइड कैसे लग रहा, तो बालू जाता। अबे भाई देख तो ले, करना तो नहीं योगा आज की नहीं कर, ये योगा है ये मानदार जैसा मुँह बना रहा। और देखिए वो जो सामने इतनी सारी लाइट जल रही है ना, वो यहाँ पे वो जो डैम है मैंने आपको ऊपर से दिखाया था ना उस दिन, वही अब थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग में अब उजाला होने लगा है। वो सामने देखिए ध्रुव तारा चमक रहा है आगे, वहाँ पे आम का पेड़ उसके पीछे देखो। और आज मम्मी सुबह सुबह दाल के पराठे बना रही है, साथ में बन रही है चाय, चाय उबल रही है आप देख सकते हैं। और ये रेडी हो चुका है मम्मी का पहला पराठा, देखो मम्मी के स्टाइल बनाने की। हाँ नहीं जल रहा तुम्हारा, आ जाओ मेरा आ जाओ। और ये मम्मी पराठे पे घी लगा रही है। मम्मी की डांट सुबह सुबह खा के कैसा लगा होगा? हाँ मम्मी ने मौका नहीं छोड़ा, अच्छी लगी डांट, अच्छी। मम्मी खुश हो रही, बोला मैंने डांटा मुझे। लड़ाई में आ रहा था ना हाँ ना, सुबह योगा नहीं देखो उसका भयंकर छत में। अरे तो पहले तो चलूंगी ना, इसे तो भागूंगी थोड़ी, पहले बच्चों को आए बोल बोले भागा मेरे को पकड़ रही भगोरी भगोरी। और ये हो गया हमारा पहला पराठा रेडी, और ये मेरे अभिषेक का नाश्ता रेडी हो गया है, वो नाश्ता करेगा और स्कूल जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक्यू, वेलकम। गोलू पहले ये बंद करो बुक्स, उसके बाद खाओ ठीक है? हो गया आपका प्रैक्टिकल पूरा? हाँ यार दिमाग खराब हो गया सारा। बेबी यही सारा दिमाग खराब करना पड़ता है तभी तो आप आगे की क्लास में जाओगे। जरा टेस्ट करके बताओ कैसे बना रखा। आज मैं घर पे प्रोटीन पाउडर बनाने वाली हूँ, और जिसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, और आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं, ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे कैसे बनाती हूँ और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको इसके लिए पड़ेगी। तो प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है 1/2 kg मूँगफली पीनट्स, जो कि काफ़ी रिच होती हैं प्रोटीन में। और ये हमने लिए हैं भुने हुए चने, जो इलायची चने हम लेके आते हैं ना, तो मैंने ये छान लिए अच्छे से, और जो भी येलो कलर में थे वो अलग कर दिए, इसमें से ब्लैक हटा दिए हैं। और ये है क्वांटिटी में, वैसे 1 kg थे इन्होंने खा दिए मेरे भाई लोगों ने, तो ये 1/2 kg बच गए, ये मैंने 1/2 kg लिए हैं। और 250 ग्राम हमने लिया है काजू, और 250 ग्राम लिया है बादाम, ये आप देख सकते हैं 250 ग्राम का ये पैकेट था काजू और बादाम। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम पहले हल्के हल्के भूनेंगे, सबसे पहले यहाँ से मूँगफली डाल दी है, मैंने कढ़ाई ली उसे गर्म किया, हम मूँगफली को भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें हल्का हल्का भूनेंगे, उसके बाद जो ये मूँगफली का बाहर का है ना, अभी मैं आपको बताऊँगी इसे क्या करना है। और ये हमारी मूँगफली यहाँ पे भुन चुकी है, अभी गर्म है, चने पहले से भुने हुए हैं इसलिए मैंने सिर्फ 2 मिनट और भूनूंगी। और ये काजू भी हमने यहाँ पे भून लिए हैं, और हमने अभी आम भी भून लिए हैं। और ये बीच बीच में मुझे काम करते भूख लग जाती है, इसलिए मैं साथ में खा रही हूँ अंगूर।
तो ये हमारी मूँगफली भुन चुकी है और आप चाहें तो भुनने के बाद जिस तरह बाहर का छिलका ही निकल जाता है आप चाहें तो इसे ऐसे हाथ के बीच रगड़ के हटा सकते हैं इसका छिलका, और अगर नहीं भी चाहें तो आप इसे रख सकते हैं ऐसे, आप इसे ग्राइंडर है इसमें ग्राइंड कर दें। यहाँ पर ये हमारे साइड ड्राई फ्रूट भून के और इसके तैयार हो चुके हैं, लगभग ये 1.5 किलो होगा थोड़ा इसमें। तो ये मैं भून चुकी हूँ और ये अप्रोक्स 1.5 किलो है, और ग्राइंड होने के बाद ऐसा इसका कुछ ये पाउडर बन गया है। तो एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे, ताकि सारे जो ड्राई फ्रूट हमें पीस हैं अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख लें, मैंने लिया एक डिब्बा, इसमें मैं इसे भर दूँगी और इसमें ये ख़राब नहीं होगा जल्दी। और इसे कोई भी 1-2 किलो खा सकते हैं, बुज़ुर्गों के लिए अच्छा है जिनके दांत ठीक से काम नहीं करते हैं, बच्चों को भी आप इसे खिलाएं, इसे दिमाग तेज होता है। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। है मम्मी के राजकुमार राजा बेटा अंगूर बड़े खट्टे हैं, अंगूर बड़े मीठे हैं। तो मम्मी का राजकुमार ने मगरमच्छ बोलिए राजकुमार दासी दांत कम चलाओ। कौन दासी टूट सकते हैं। ए ये भिखारी कौन अंदर लाया, चल 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 बाहर निकल, ए कहां से आ गया अंदर जल्दी, ए अंगूर छोड़ चोरी कर रहा ये नौकर लोग ना, अंगूर छोड़ ये नौकर लोग सर में चढ़ जाते हैं। ए ए इधर आ, ये नौकर लोग ना सर में चढ़ जाते हैं। ले मिठाई वाले सोच ले जा, अपने बाल बच्चों को खिलाना कर जा, बच्चों को खिलाना देखे खुद मत खाना। सो गाइस आज मेरी फेवरेट मिठाई आई है गुलाब जामुन। गाइस तो शुभम क्या हुआ था तेरे साथ? मेरी बड़ी दीदी बड़ी कहानी, मेरी बड़ी दीदी बचपन में नाखून रखती थी बड़े पैर के हाथ के दोनों के पैर के और नाखून। फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था उससे हमारे फैमिली वाले अक्सर परेशान थे, पापा अक्सर बोला करते थे कि पैर के नाखून काटो नहीं काटती थी। मेरे दिमाग में फितूर चढ़ा, उम्र ही क्या थी मेरी, कितनी थी रंग में 4-5 6 में 5 6। फिर क्या हुआ था? अब मैंने एक दिन ठान लिया इसके नाखून काटने, ये बस सो रखी थी ना, मैंने पापा के दाढ़ी वाले डब्बे से ब्लेड दिन के बज रहे थे 4 गया मैं इसके नाखून पैर के नाखून काटने के लिए, जैसे मैंने नाखून बटा दिया था नाखून से मैंने ओट काट लिया, मतलब ब्लेड तो तेरे सच में कट गए थे। सच में क्या कट गए थे तू देख रहा है? मेरे को तो याद नहीं है ना, मैं भूल गई सच्ची में, तो कटने के लिए मैं तो नहीं करते ना। अच्छा मतलब उसने लात मारी तो ब्लेड मतलब तेरे हाथ ऊपर हो गए, मेरे दोनों ओंठ कट गए, मतलब तेरे दो चार ओंठ बदल गए ना, मेरा खून वेस्ट ना हो, मैंने ऐसा कर दिया सच में भाई, सारा खून वापस फिर अंदर, सारा खून मेरा पूरा मुंह भर गया फिर वापस चला गया, मैंने अंदर गटक दिया पूरा खून। तो ये आपका इंसिडेंट था? दूसरा क्या था? दूसरा इंसिडेंट ये है, एक बार हमारे पापा ने हमको सुबह उठा देते बचपन में पढ़ाई के लिए 4 बजे उठा देते। अच्छा। हम पापा उस टाइम जो पापा थे वो चाय बना कर लेके आते थे हमारे लिए, जो काम हम मम्मी कर रही है ठीक है। मैंने बड़ी दीदी ने क्या किया, उसने मेरे पास चाय पड़ाने के लिए पापा ने हाथ ऐसे किया, हल्का सा ऐसा मोड़ा चाय गिलास लेके चाय गिलास मेरे पैर में, और आज तक आज एक छापा मार गया मेरे पैर पे। हाँ तेरे पूरे पैर में फोल हो गए थे ना, फूट गया अभी भी है, पर तब तो फूट गए थे ना वो, अभी भी है तो निशान है ना, जले हुए फोले थोड़े ना, मोटा बन रखा भाई साहब, फोले होते तो बैठ नहीं पाता क्या, फोले दिखाएंगे निशान देगा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, आने क्यों आएंगे शर्म, जिसने फोले दिए उसे नहीं आया, यहाँ बन रखा यहाँ यहाँ पे जांग में। चलो आपको आपके फबले मुबारक। तो आपने अपने लाइफ के इन इंसिडेंट से क्या सीखा? मैंने सीखा बकचोदी सहनी नहीं है, करनी भी है। तो ये इसमें ये तो इंसिडेंट थे ना, इसमें तो ऐसा कोई मजाक नहीं था, ये तो घटित था आपकी किस्मत में, हो गया घट गया। मैंने सोचा मेरी बहन ने मुझे 2-2 जख्म दिए मैं टाड़ दूंगा मैं किसी उसके बाल का, हाँ ऐसा करेगा तू तो आजीवन जख्म देगा उसको, मजाक कर रहा हूँ, आधी आधी टक लेगा ना आधी रहन। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और हमारे व्लॉग में ऐसे ही बने रहे, और मिलते हैं जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।
एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. बाय, गुड नाइट.